कोंडागांव पुलिस ने चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। ओडिशा के जयपुर से आए 6 आरोपियों ने दिया था चोरी की घटना को अंजाम। 5 जुलाई की रात्रि को अज्ञात चोरों ने फरसगांव स्थित उत्सव ज्वेलर्स में 10,000 रुपए नकदी समेत करीबन 1.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने, दुकान का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया था। नगर में चोरी की घटना को देखते हुए थाना फरसगांव पुलिस द्वारा साइबर सेल कोंडागांव फोरेंसिक टीम कांकेर के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना स्थल के निरीक्षण और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अवलोकन से जानकारी प्राप्त हुई कि 6 अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों के द्वारा हथियारों से लैस होकर दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी और नकदी रुपए चोरी कर फरार हुए हैं। मामले में सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन पर एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा हथियारों से लैस होकर घटना को अंजाम देना पाए जाने पर आरोपी पतासाजी के लिए विशेष योजना तैयार कर अलग अलग टीम गठित कर आरोपी गण की पतासाजी की गई। इस दौरान जगदलपुर से लेकर फरसगांव केशकाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक किया गया। तलाशी अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति फरसगांव नगर से लगे जंगल में छिपे हुए हालत में दिखाई दिया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उक्त दुकान से सोने और चांदी के गहने और नकदी पैसे चोरी किए हैं। चोरी के बाद पकड़े जाने के डर से सभी लोग चोरी के सामान को आपस में बांट लिए थे और वापस भागने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी का सायरन सुनाई दिया तो सभी घबरा कर अलग अलग भाग निकले। कोंडागांव से राज शार्दुल, सीजीवी जन टीवी।